चलो एक मिनट आ जाओ। तो मैं निकल रहा हूँ अभी SI4 ट्रैक के लिए और ये बसेस है, सो लेट्स सी, देखते हैं। करक वाटरफॉल एकदम जबरदस्त, बहुत भारी ऑन रोड वाटरफॉल हो रहा है मालसिज घाट में, देख रहे हैं। वाओ, तो इसको बोलते हैं सावर। तो ये फाइनली हम केशवर विलेज में एंट्री कर चुके हैं और इधर से हम थोड़ी दूर पे ही मतलब स्टे कर वहाँ रुकेंगे और वहाँ से भी ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो गाइस अभी हम अदराई फोर्ट के ट्रैक के लिए हम आ चुके हैं और ये उसका बेस विलेज है और यहाँ से ऑलमोस्ट पूरा ट्रैक मतलब 2.5 hours का है, 3 hours डिपेंड ऑन ग्रुप जैसा है। तो ये पीछे बस है जो इससे हम आए हैं और ये होटल है और देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा मौसम है यहाँ का। और ये ट्रैक के लिए मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि ट्रैक कैसे जाया जाए और लॉन्ग बोलते हैं दूरी होने की वजह से मैं इसे प्लान नहीं कर पा रहा था, पर फाइनली प्लान बन पाया मेरा आने का। तो इसी मैं आपको दिखाता हूँ और बारिश भी चालू है तो मैं कोशिश करूँगा जितना से ज़्यादा मैं कवर कर सकूँ। और तो लेट्स स्टार्ट ट्रैक एंड ग्रुप है हमारे, तो ब्रेकफास्ट के बाद हम निकलेंगे। देख रहे हैं कि हमारा पहला स्टॉप है और यहाँ पे फोटो शूट चालू है जिसमें से ये देख रहे हो ये कौन सी नागिन सी बलखाती हुई पानी उछाल रही है। तो ये देख रहे हैं कि फोटोग्राफी की जो कला होती है इसको बोलते हैं लहलहाता हुआ फोटोग्राफी। ये देख रहे हो एकदम पहली धार वाला पोज दे रहा है भाई साहब। अदराई में फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग है ये, देख सकते हो कैसा लग रहा है आप लोगों को। अच्छा बहुत गंदा पानी, तो साफ सुथरा दिख रहा है हमें, ठीक है भिजवा देना। आपको कैसा लग रहा है? ठंडी तो बिल्कुल नहीं लग रही है। ठंडी बिल्कुल नहीं लग रही है, वाह क्या बात है। ये देख रहे हो ये मैडम पेंगुइन की तरह स्विमिंग करने की प्रैक्टिस करने वाली है, जस्ट अभी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। मैडम ट्राई, ये हमारे आज के ट्रैक पे सबसे मॉडल आदमी है, एकदम मॉडलिंग कर रहे हैं। देखो इसको बोलते हैं वाटर फैशन शो, देख रहे हैं कैसे आ रहा है। यस, और ये पीछे है उनके पीछे एक और फैशन मास्टर। जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरह से नैनो कार को BMW लेके चल रहा है। नैनो कौन सी, अब ये पहचानो। ये छोटा सा है हमारा। तो ये अदराई ट्रैक की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। वाओ, तो ऑन द वे देखिए वाटरफॉल है छोटे छोटे और अदराई ट्रैक की ये ब्यूटी है, खूबसूरती है। तो गाइस अभी हम शिव मंदिर के पास पहुंच गए हैं, लॉर्ड ऑफ शिवा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो अदराई ट्रैक करेंगे तो इसके रास्ते में लॉर्ड शिवा का मंदिर है जो काफ़ी खूबसूरत है और ये नंदिनी गाय की गाय है और नंदिनी गाय और ये सामने देख रहे हैं कि महादेव की लॉर्ड ऑफ शिवा और ये उनका मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है।
तो जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको कि आप लोग जो कोई भी यहाँ पर ट्रैक करे तो यहाँ पर ज़रूर रुके, दो मिनट या पाँच मिनट के लिए, जितना मतलब एटलीस्ट कम से 10 मिनट तो टाइम लीजिए और दर्शन ज़रूर करें। तो वापस से फिर मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। वाओ, और काफ़ी बारिश चालू है तो मैं पूरी तरह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके वीडियो बने। तो ये देख रहे हो कि कितना फॉग है पूरा, यहाँ पे पूरा फॉग जैसा माहौल बना हुआ है। और देख रहे हो कि भैया भाई साहब गोप्रो लेकर के आए हुए हैं ट्राईपॉड, और ये सामने जो ये दिख रहे हैं जहाँ पे जहाँ ये घोष जैसे पब्लिक दिख रहे हैं ना, वहाँ पे रिवर्स वाटरफॉल हो रहा है। तो मैं आपको सामने से दिखाने की कोशिश करता हूँ और मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे, और आप लोग मजा लीजिए रिवर्स वाटरफॉल का हमारे साथ। ओहो हो, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, देख रहे हो ये है रिवर्स पानी आ रहा है, ये देख रहे हो। यस, वाओ, ऑसम, आहा, क्या बात है, क्या बात है, सुपर, मजा आ गया। रिवर्स वाटरफॉल चालू है और मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए अम्ब्रेला लेकर के आया हूँ, और काफी मजा आ रहा है मुझे तो रिवर्स वाटरफॉल पे। वाह, लेकिन इस ट्रैक की एक ये है कि स्टार्टिंग का जो ये रास्ता जो है काफ़ी भूल भुलैया है, तो कोशिश करिए कि गाइड के साथ ही आए। अगर अकेले अगर ट्राई करेंगे तो रास्ता इधर से उधर आप भूल जाएंगे, तो आप कहीं जाना कहीं और है और कहीं और पहुंच जाएंगे। तो कोशिश करें कि गाइड के साथ ही आए। काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है और इस ट्रैक को मेरा ध्यान रखे सूज अच्छा पहने और विदाउट सूज के ट्रैक ना करें। कोशिश करें कि CTR या फिर एक्शन ट्रैकिंग का सूज हो, क्योंकि इस ट्रैक में काफ़ी मतलब नीचे जो बोलते हैं ना कि कचरे थोड़ा ज़्यादा है, मतलब तो पाँव में खुजली या फिर आपके नाखून वगैरह में तकलीफ हो सकते हैं। और सूज और सॉक्स और रेनकोट जरूर साथ लेके चले। और काफ़ी ट्रैक तो काफ़ी इंजॉयबल है और मैं तो बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इस ट्रैक को। मैं एडवेंचर गीक ग्रुप के साथ ये ट्रैक कर रहा हूँ, जो आज के लीडर हैं रोशन भाई, जो हमारे दोस्त भी हैं और एडवेंचर गीक के मेंबर्स हैं। मैं भी पहले कभी मेंबर हुआ करता था, लेकिन पीजी शेड्यूल की वजह से मैं ये ट्रैक ग्रुप छोड़ना पड़ा, लेकिन ये ग्रुप मुझे बहुत पसंद है। और ये फैमिली मेंबर्स को अगर ट्रैक करना हो या किसी को भी, तो ये ज़रूर आप कॉन्टैक्ट करें एडवेंचर गीक से। मैं इसका नंबर मैं लिंक में ज़रूर डाल दूँगा। तो ये है एडवेंचर गीक के मेंबर सर रोशन। हाय, तो ट्रैक फाइनली कंप्लीट करके हम रिटर्न जा रहे हैं, और ये ट्रैक जो है रिटर्न में ऐसा हमें फील देता है कि जैसे मैं अंदर वन ट्रैक कर रहा हूँ। और ये पीछे देख रहे हो कि ये गाइड है दादा, दादा तुम्हें नाम संगा गणपत दादा, यहाँ पे कभी भी आए तो गणपत दादा से संपर्क करें गाइड के लिए, और ये काफ़ी अच्छे नेविगेट गाइड करते हैं। और ये पूरा इधर रिटर्न में जैसा लग रहा है जैसे हम अंडर वन ट्रैक करते हुए रिटर्न जा रहे हैं, तो एक ट्रैक पे डबल फील ले रहे हैं हम। आगे जा रहे हो क्या?
ये भाई आए हैं जयपुर से भाग करके ट्रैक के लिए। आप जाके कुछ नहीं कर सकते वापस। और देख रहे हो, देख रहे हो, मतलब बोलते हैं पेट्रोल खत्म हो गया। और आपकी कैसी कंडीशन है?